तो आज हम बनाएंगे ये ऐसे मार्केट में ले जाने के लिए ऐसी बैग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इस बैग को कैसी है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें ये देखिए बड़ा सा ये पेस है यहाँ पे, और आगे मैंने ये एक पॉकेट लगाया है जिसमें हम अपना मोबाइल के कुछ और सामान जरूरी रखना है तो रख सकते हैं, और बाकी बाजार में ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छी बैग है। तो चलिए इस बैग को हमें कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बैग को हमें कैसे कट करना है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें 19x18 के ऐसे दो पार्ट्स कट करने हैं, और उसके बाद हमें कट करना है ऊपर, हमें एक छोटा सा पॉकेट बनाना है यहाँ पे ऐसे। तो हमें उस पॉकेट के लिए कट करना है 11x9.5 का ऐसा पार्ट्स, और हमें नीचे का पार्ट्स बनाना है उसके लिए हमें कट करना है 13x6 का। और एक मैं जिप ले रही हूँ जो मैं ये पॉकेट में डालूंगी, तो मैंने ये 27 इंचेस की ली है। ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला मैं पेज ले रही हूँ जो मैं ये पॉकेट बनाऊंगी उसके ऊपर लगाऊंगी, और मैं पाइपिंग के लिए ये क्रॉस में काटी हुई पट्टी ले रही हूँ। और ये बैग बनाने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए 1.25 मीटर, और ये मैंने धुपियन सिल्क का फैब्रिक लिया है, और उसके अंदर मैंने फोम डाला है और नीचे मैंने नॉन वूवन डाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से हमें हैंगर बनाना है, हमें ये पार्ट्स ले लेना है, ये जो हमारा 19x18 का था उसको हमें बीच में से फोल्ड करना है। तो ये हमने फोल्ड कर दिया है, अब हमें यहाँ पे साइड पे हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है यहाँ पे, और ऐसा ही मार्क हमें यहाँ पे कर देना है। ये हमने फोल्ड किया है वहीं पे हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है, फिर हमें 2.5 इंचेस पे यहाँ पे मार्क करना है, 2.5 इंचेस पे ये हमारा मार्क हो गया। अब हमें यहाँ से ये जो हमने 7 इंचेस पे मार्क यहाँ पे किया था वहां से हमें ऐसे राउंड शेप देना है, ऐसे शेप देना है, और यहाँ से हमें ऐसे राउंड शेप देना है। ये हमारा राउंड शेप हो गया, तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ये जो राउंड शेप देना है वहीं पे 2.5 पे ही हमें यहाँ पे भी मार्क करना है ताकि ये राउंड इतना सा हो। अब हमें इसको हमें राउंड में कट कर लेना है। ये हमारा कट हो गया, अब हमें यहां से ऐसे कट कर लेना है। अब इसी नाप से हमने ये जो दो पार्ट्स काटे थे तो इसी नाप से हमें दूसरा पार्ट्स भी कट कर लेना है। तो ये हम कट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, और इसी नाप से हमें दूसरा पार्ट्स भी कट कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों को कट कर लिया है, ये हमारा हो गया है। अब हमें ये पार्ट्स लेना है 11x9.5 का, और उसको हमें फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। ये हमारा हो गया, और हमें इसको फोल्ड करके यहाँ पे कट कर देना है। ये हमारा कट हो गया है, और हमें यहाँ पे सेंटर में ये पेज को लगा देना है। तो अब हमें इसको फोल्ड करना है ये पेज को, और इसके ऊपर स्टिच करनी है। इसको हमें ऐसे ही पूरे में फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये फोल्ड हो गया है, अब हमें इसको हमें यहाँ पे लगाना है सेंटर में, ये जो हमने मार्क किया था उसको ध्यान में रखना है और इसको लगा देना है। इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है यहाँ पे पूरे राउंड में। ये
अब ये हमारा ऊपर का पेज लग चुका है। अब हमें इसके में जिप लगा देनी है। इसको जिप को ऐसे हमें उल्टा पकड़ना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है और हमें इतनी इतनी स्टिच करनी है, थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए हमने ये जिप को लगा दिया है। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है ताकि प्रेस हो जाए। ये देखिए हमारी ये जिप को हम इसमें रनर डाल देंगे। अब हमें इसको पुश कर देना है। ये देखिए हमें इसको लेना है, अब ये पार्ट हमें लेना है और इसको हमें फोल्ड करना है। ये हमने मैंने फोल्ड कर दिया और हमें यहाँ पे मार्क करना है। थोड़ा सा कट कर देंगे और ये हमने ये जो पॉकेट बनाया है उसको यहाँ पे हमने इसको कट किया था तो उसको हमें ऐसे लगाना है और यहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। तो इसको ऐसे रखना है जिप को और यहाँ से हमें स्टिच करना है। हमें यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट रखना है, ध्यान रखना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और ऐसे अंदर ही रहना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि रनर स्टिच पे ना आ जाए, नहीं तो नीडल टूट जाएगी। अब ये पॉकेट हमने लगा दिया है, ये देखिए बड़ी खूबसूरती से। अब हमें इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है तो ये एक हमारा पॉकेट हो गया, ये देखिए। अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग करनी है जो हमने क्रॉस में काटी थी, यहाँ पे और इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। तो हमें इसका नाप लेना है। पहले हम यहाँ से चौक से मार्क करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे राउंड में नाप लेंगे पूरा और चौक का जो मार्क किया वहां तक जाएंगे। और हमें क्रॉस में जो ये काटा है उसको थोड़ा खींच के ले जाना है ताकि जब हम लगाएं तो बचे ना, नहीं तो ये लंबा हो जाता है स्टिच करते हैं तब तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो इसको हमें ऐसे अटैच करना है और इसी नाप से हमें जो दूसरा पार्ट से उसमें भी करना है। तो हमें दोनों का नाप एक ही है तो ऐसी हमें दो कट कर लेनी है। ये जो मैंने कट कर लिया उसी नाप से मुझे दूसरी भी कट कर लेनी है। अब हमें इसको अटैच कर देना है, यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। हम दोनों को स्टिच करके अटैच कर देंगे। ये हमारा हो गया।
अब हमें ये जो हमारी पाइपिंग है उसको यहाँ पे ऐसे रखना है। ध्यान रखना है कि ये जो हमने स्टिच किया है ये पीछे रहे और ये ऐसे ऐसे रहना चाहिए। अब हमें यहाँ से स्टिच करनी है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे रखना है। और हमें ऐसे पूरे राउंड में स्टिच करके ये पाइपिंग को अटैच करना है। अब ये मैंने ऐसे अटैच कर दी, ये ऊपर आ जाएगा। फिर हमें इसको फोल्ड करना है, ये ऐसे खुली रहेगी। फिर हमें इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे बीच में ले जाना है और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ऐसे हमें फोल्ड करके पूरे राउंड में फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हमने ये आगे के पार्ट में हमने ये पाइपिंग लगाई है बीच में, उसी तरह से हमें पीछे के पार्ट में भी पाइपिंग लगानी है। ये हमारा दूसरा पार्ट में ये पाइपिंग हमने लगा दी है। अब हमें आगे का पार्ट लेना है, ये आगे का पार्ट, और इसको हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। ये जो आगे का और पीछे का पार्ट है उसको हमें अटैच कर देना है, जॉइंट कर देना है। ये दूसरी साइड भी हमें स्टिच करना है। हमने दोनों साइड अटैच कर दिया, स्टिच कर दी। अब हमें ये जो हमारा पार्ट है वहां से हमें स्टार्ट करना है। पूरा राउंड में हमें नाप लेना है और जिस तरह से हमने यहाँ पे पाइपिंग को लगाया है उसी तरह से इसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे, ये जो हमारी क्रॉस में काटी हुई पाइपिंग है उसका। मैंने बताया था ऐसे थोड़ा थोड़ा खींच के हमें नाप लेना है, ये क्रॉस ने काटी हुई है। तो फिर हम जब लगाते हैं तब थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा खींच के लगाएंगे तो ये पूरी नाप की ही होगी। ये देखिए मैंने ये नाप ले लिया है और इसको मैंने अटैच भी कर लिया है। तो हम ये जो हमारा स्टिच है उसको यहाँ से स्टार्ट करें, इसको पहले ऐसे रखना है और ये हमारा बैक का जो पार्ट है उसको लेना है और इसको ये जो यहाँ पे स्टिच है यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐसे रखना है और हमें इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें ऐसे ये जो हमारा पार्ट है इसमें ये राउंड में हमें स्टिच कर देनी है। अब ये मैंने पूरे राउंड में ये देखिए पाइपिंग लगा दी है, इसको हमें ऐसे करना है और ये जो हमारी पाइपिंग है उसको ऐसे फोल्ड करना है और पूरे राउंड में इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है।
ये हमने पाइपिंग लगा दी है पूरे राउंड में, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा खुला है उसके ऊपर हमें स्टिच करनी है दोनों साइड। ये हमें 13x6 का ये जो हमारा पार्ट है उसको लेना है और इसको हमें फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क करना है। ये मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमने मार्क किया है उसी तरह से, ये जो मैंने कट किया है वो यहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है। और ये हमारा पार्ट से यहाँ पे स्टिच करी हुई है उसको हमें इसको ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे रखना है, स्टिच को हमें मार्क जो सेंटर है वहीं पे रखना है ऊपर का पार्ट से जो, और यहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। घुमा देना है, हमें यहाँ पे दूसरा जो ये स्टिच है उसको हमें यहाँ पे जो मार्क नीचे किया है वो एकदम मिलना चाहिए, आगे पीछे ना होना चाहिए। तो ये हमारा बैग हो गया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। इसका हमें कॉर्नर निकालना है। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है, अब हमें इसको यहाँ से ऐसे स्टिच करनी है, यहाँ पे दबाना है इतना इतना ताकि ये अंदर का ये जो हमारा दिख रहा है वो दिखे ना और स्टिच में आ जाए, इससे फिनिशिंग भी अच्छी लगती है। ऐसे हमें स्टिच करनी है, पूरे राउंड में हमें नीचे स्टिच कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बैग रेडी हो गई है, जो जिसमें हमने आगे एक पॉकेट लगाया है ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए पेस कितना है ये बड़ा। तो ये आप मार्केट ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी बैग है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये बैग कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और लाइक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।